नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग का क्रोशेट स्वेटर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही प्यारा थाल पोश डिजाइन लेकर के आई हूँ। बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स, आप बनाने में भी आसान है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो बनाना शुरू करते हैं। मैजिक रिंग बनाएंगे, इसमें क्रोशिया को डालते हुए वन चेन से लॉक कर देंगे, टू चेन लेते हुए रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन को काउंट करते हुए थ्री डबल क्रोशिया हो गया, फोर फाइव सिक्स, टोटल इसमें 16 डबल क्रोशिया बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। टोटल इसमें 16 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुई फ्रेंड्स। 16 डबल क्रोशिया और थर्ड वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे, सेम चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी टू डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी टू डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर रो में, हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना के इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर थर्ड वाला चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब वन टू थ्री चेन लेंगे, सेम चेन में वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर थर्ड वाला चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच से इसको, अब इसके बाद नेक्स्ट कलर लगाएंगे। ऐसे में अब यहाँ पर वन टू थ्री चेन लेंगे, सेम चेन में वन डबल क्रोशिया, तो टू डबल क्रोशिया हो गया। थ्री, इस तरह से यह फाइव डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। वन टू थ्री फोर फाइव डबल क्रोशिया, वन टू चेन लेंगे। अब यहाँ पर वन टू चेन, टू थ्री चेन को स्किप करते हुए फोर्थ वाला चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू थ्री फोर फाइव। यहाँ पर वन टू चेन लेंगे, वन टू थ्री चेन को स्किप करते हुए फोर्थ वाला चेन में डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव, टू चेन, वन टू थ्री फोर्थ वाला चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे रो को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स अराउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर वन टू चेन लेकर के फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, नेक्स्ट चेन में एक और स्लिप स्टिच,
नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करते हुए इस गैप में आ जाएंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यह 2 डबल क्रोशिया हो गया चेन को काउंट करते हुए, 2, 3, 4 या 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन लेंगे इस तरह से टर्न कर देंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहीं से इसमें इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 या 5 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे इसमें डालते हैं सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर जो डबल क्रोशिया बनाए थे इसी में डालते हुए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर 1, 2 चेन लेंगे और इस गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चल लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहीं से यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1, 2, 3, 4 एक और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 5 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 3 चेन लेंगे और ये दोनों लूप में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर स्लिप स्टिच डबल क्रोशिया लम डालते हुए। अब यहाँ पर 1, 2 चेन लेंगे और इस गैप में डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन। ये कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है। तो इसी तरह से पूरे रो में बना करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। थ्री चेन लेकर के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इधर भी 1, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर डालते हुए डबल क्रोशिया के बीच में स्लिप स्टिच। 1, 2 चेन लेंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह कुछ इस तरह से यह डिजाइन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स अगर ये डिजाइन पसंद आया होगा
तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा डिजाइन आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।